जरूरी है। गोविंद लेआउट के मंदा वरखड़े में मकान किराए से रहते हैं। कुछ दिन पहले मशियार के माता पिता गांव से बाहर आए थे। घटना के दिन कुछ जरूरी काम से महेश अपने मकान का दरवाजा बंद करके बाहर गोराट रहा था। इस दौरान घर मालिक की बेटी आरोपी वैशाली को दमाद सतीश ने उनके घर से घुसकर अलमारी में से 15 तोला सोना और 70,000 रुपए नगद चुरा लिए। कुछ देर बाद मशहूर पता चला कि अलमारी से गहने चोरी है। इसके बाद उन्होंने 5 मई को भद्रा दर्ज कराई थी। थानेदार विपिन इंगोले ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विस्तृत जाँच की। फुटेज के वारदात के वक्त कोई बाहरी व्यक्ति घर आते हुए निकलते नहीं दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस का शक मकान में बदल गया, जिसके बाद बेटी पर पुलिस की जाँच आरोपी की नजर से देखने लगी। वैशाली ने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके चोरी का मामला चोरी का माल जब्त किया। जबकि इस दौरान थानेदार विपिन इंगले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र केदार ने पूरा मामला निकेश डोंगे, विश्वनाथ चौधरी, जगदीश जेड़े आदि की टीम तलाश कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाबालिग से छेड़छाड़ का प्रयास। माजरी स्थानीय पुलिस थाना क्षेत्र की एक बस्ती में एक घर के जाकर एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक माजरी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव की बस्ती में बुधवार 8 मई की रात को 2:30 बजे आरोपी यह जानते हुए भी वह नाबालिग है उस नाबालिग लड़की के घर में घुस गया और उस नाबालिग लड़की के साथ अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करने लगा। इस दौरान लड़की को माँ की आवाज आने पर उसके शोर मचाने पर आरोपी लड़का वहां से भाग गया। आरोपी का नाम राकेश बोकड़े बताया जा रहा है। यह जानकारी माजरी के थानेदार सारंग मिश्रा ने दी। आरोपी राकेश बोंगड़े को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वनी में विधायक ने जुआ अड्डे पर मारा छापा। वनी में यवतमाल जिले के वनी शहर में चले आरोपी नामे असलम अजर काजी वय 23 वर्ष राहणार पाटणकर चौक जरी पट्टा। हा आरोपी याच्यावर वेळोवेळी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती, तरी तो गुन्हेगाराने थांबत नव्हता। त्याच्यावरती पोलीस नागपूर शहरात एकूण 18 गुन्हे दाखल आहेत आणि 18 गुन्हे दाखल असूनही तो हमेशा गुन्हे करत होता। त्यामुळं माननीय वरिष्ठांच्या आदेशाने आणि माननीय वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याच्यावरती MPDAची कारवाई एका वर्षासाठी केली असून तो सध्या जेलमध्ये आहे। यवतमाळ जिले के वनी शहर में चलने वाले जुआ अड्डे पर पुलिस ने कई बार छापेमारी की, किंतु अब खुद विधायक ने ही वहां छापा मार दिया। शहर के सब्जी मंडी परिसर में चल रहे जुआ अड्डे पर विधायक राजीव वड्डी बोंदखुरवार ने छापा मारा है। उनकी यह छापेमारी शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है। शहर में चल रहे अवैध धंधों को थानेदार का सहयोग होने का गंभीर आरोप भी है। इस दौरान विधायक बोंद और आप देख रहे हैं MNS News।